यहां पर साफ साफ कुछ बैठा था मुझे देखकर, जिसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम यहाँ पर एक मिनट भी रुक सकें। ओ ये देखो गाइस, हम एक या दो नारियल की बात करते, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। ओ तेरी की, भाई नारियल पर बिठाकर ये क्या था? ये क्या था? सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका सेकंड एपिसोड में, और आई होप आपको ये सीरीज बड़ी पसंद आ रही होगी। एक ऐसी सीरीज, अब इस जगह को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में नहीं की थी। फर्स्ट पार्ट में एक तरह से आप ये देखोगे कि हमें भागना पड़ा। अगले दिन दोबारा आए हम रात को यहाँ पे, जो कि हमने फैसला किया था कि जान से ऊपर कुछ नहीं है, हम बिल्कुल भी आने वाले नहीं थे इस जगह पे, लेकिन फिर भी आए क्योंकि ये मौका पता नहीं अब दोबारा हमें कब मिले कब ना मिले। गाइज क्या होता है ना, जब आप किसी एक ऐसी चीज को जो कि नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल है, अपनी आंखों से और अपने आसपास फील कर लेते हो ना, सहम जाते हो, डर जाते हो। वही मेरे साथ हुआ, भगवान तो हूं नहीं मैं। साथ ही साथ 24 घंटे ऐसा लगता रहा कि बहुत सारी नजरें हम पर है, कोई ना कोई हमें देख रहा है, ये फील बहुत ज्यादा था। अब मैं एक पैरानॉर्मल साइंस के बारे में पढ़ रहा था, तो न्यूयॉर्क के एक रिसर्चर है पैरानॉर्मल, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई कि जो आत्माएं होती है ना वो कहां वास करती हैं। ये हमारे गूगल पे भी लिखा हुआ, खाली जगह पे, बिहड़ जगह पे, सेम एग्जैक्ट यही वो लोकेशन है। बॉर्डर से कुछ ही दूर कई 100 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ बंजर, सपाट, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी फॉर्म नहीं, क्योंकि एनर्जीज जो होती है ना उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करती है, डिस्टर्ब करती है, इसलिए ही भूत प्रेत जो होते हैं वो रात को ज्यादा ट्रैवल करते हैं। और आप हमने सुना होगा कि रातों को क्यों दिखते हैं, क्योंकि रातों को जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसी होती है ना काफी लो हो जाती है, जिसके कारण आपको कॉन्टिन्यू ये चीजें फील होती हैं, देखने को मिलती है, और उनकी प्रेजेंस और उनकी पावर ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर 24 घंटे ऐसा होता है, समझ रहे हो, कई हजार लाख भी बोलूं तो शायद कम पड़ जाए, चीजें यहां पर है। और स्पेशल महादेव का मंदिर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि महादेव, महादेव का एक ऐसा रूप जो भूतों को मुक्ति दिलाता है। वीडियो को एंजॉय करना, पूरी वीडियो देखना, मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। तो गाइस क्या आप रेडी हैं एक मजेदार विनिंग्स के लिए? आई एम श्योर बहुत बार बता दिया है, बहुत सारी बार आपने सुना होगा सुपर पॉपुलर गेम एविएटर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस गेम को आप कैसे खेलें सिर्फ लूपबैक एप्लीकेशन के ऊपर। आपको कुछ भी नहीं करना, बस मेरे दिए गए लिंक से साइन अप करना है और आपको मिलेगा वेलकम बोनस अप टू 1,15,000 रुपीज, और साथ में मिलेगी 500 फ्री स्पिन्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन लूपबैक। मेक डिपॉजिट एंड स्टार्ट एविएटर। मैं दिखाता हूँ कैसे। आई विल स्टार्ट विद 600 रुपीज। प्लेन फ्लाई कर गया, कोई नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। प्लेन फ्लाई कर रहा है और इस बार मैं कर दूंगा कैश आउट एट हाई ऑड्स। मैं जीत गया गाइस, मैं जीत गया 17,154 रुपीज, और मैंने अपनी जो विनिंग्स है ना वो विड्रॉल भी कर ली है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, पिन कमेंट में जाके जो लिंक दिया गया उस पे जाके क्लिक करो और आपको मिलेगा वेलकम बोनस अप टू 1,15,000 रुपीज और 500 फ्री स्पिन्स। गुड लक। यही था ना? आ जा। अहम भूताए बृहस्पाए भूताए भूव त्रिस्ताए
मालिके नमा। रावण संहिता के अंदर इस मंत्र का उच्चारण ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए करा जाता है। कल आज हम दोबारा यहां पर आए हैं, और यहां पर साफ साफ कुछ बैठा था मुझे देखकर, जिसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम यहां पर एक मिनट भी रुक सकें। बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कम नहीं हो गया पानी कल से? ये इतना ही था, इतना ही था। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर बड़े बड़े महात्माओं ने समाधि ली है, जैसा मैंने आपको बताया ये कोई शमशान घाट नहीं है। पीछे से आ रही है, चले पीछे, पीछे से आ रही है ना, आ जा। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर मुक्ति के लिए जिस भी पतितात्म पतितात्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा होता है, उसे मोक्ष दुआने के लिए यहां पर लाया जाता है। उसे मोक्ष दिलाने के लिए यहां पर लाया जाता है। भूतेश्वर महादेव, यही कहानी है यहाँ की। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पर, जैसा मैंने आपको कल एक चीज बताई, मैंने घर पे जाके भी ध्यान दी कि जैसा कि मैंने आपको बताया ये कोई शमशान घाट नहीं है। क्या हो गया? इधर देख, कैमरे में देख। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई शमशान घाट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखोगे ना कि लोगों के कपड़े, मतलब जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता उनके कपड़ों, बताते हैं नारियल पर बिठाकर उनको लाया जाता है यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर उनके कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, और कपड़ों के नीचे देखो नारियल है, ठीक है। आ जा, ये मंदिर है भूतेश्वर महादेव का। अभी कुंडी लगी हुई है, आ जा। क्या हुआ? लिखा हुआ था अगर क्या, जिस समस्या का कोई उपाय और हल ना हो, हाँ वो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोल चुका हूँ, जिस समस्या का कोई समाधान ना हो उसका समाधान ओम नमः शिवाय। ये बात मैं बार बार अपनी रील्स पे भी बोलता हुआ आया हूँ, और मैं बता देता हूँ क्या रीज़न है, क्या कारण है इसके इसके पीछे। देखो नारियल जगह जगह आपको मिलेंगे, दिख गया है? पूरा नारियल से भरा हुआ है। मेरी नज़र में अगर विश्व की सबसे कोई हॉन्टेड जगह का भी नाम लोगे ना आप, देख उधर एक त्रिशूल गाड़ा हुआ, देख रहा तू आगे,
और प्रॉपर देख यहाँ पर चीजें रखी हुई हैं, है ना। जिनका कोई समाधान नहीं उनका उस समस्या का समाधान है ओम नमः शिवाय। ये देखो ये देख इधर कोई गाड़ी आ रही होगी रोड पे, कपड़े पड़े हुए बहुत सारे, मैं आपको बता रहा था। ये देखो ये सारी समाधियां बनी हुई हैं, ये देखो पांचवें स्तंभ गाड़े में बीच में हर जगह। अच्छा मैं आपको बता रहा था ओम नमः शिवाय की शक्ति के बारे में। शिव पुराण का आप ढंग से पीछे से आवाज आई है, शिव पुराण को जब आप ढंग से पढ़ोगे ना तो उसमें ओम नमः शिवाय का बहुत अच्छा उल्लेख किया हुआ है। शिव पुराण के अंदर बताया गया है कि ओम नमः शिवाय वर्ड जो ये ध्वनि है ये वाइब्रेशन है पूरी, मतलब पता नहीं भाई लेकिन तेरे पीछे हुआ है कुछ। ये आवाज क्या है? मोर बोल रहा है। मैं अपनी बात खत्म कर लूं पहले? मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाँ जो ओम नमः शिवाय है इतनी पावरफुल मंत्र है ये कि इसके बारे में जो उल्लेख किया हुआ है ना शिव पुराण में, अगर रोज के जीवन में कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वो ब्रह्मा जितनी ताकत भी पा सकता है, प्लस इसी से पांचों एलिमेंट्स निकलते हैं, इसी ध्वनि से आग वायु पानी सारे पांचों एलिमेंट्स इसी से निकलते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय ही क्रिएशन है पूरे ब्रह्मांड की, सारे यूनिवर्स को आपस में कनेक्ट करता है, वो ध्वनि भी ओम नमः शिवाय ही है। ये देख इधर कितने सारे वो पड़े हैं, किसी भी चीज को यहाँ पे छेड़ा ना जाए क्योंकि ये चीजें जगह जगह हैं। ये देख आ जा क्या है? ओ ये देखो गाइस हम एक या दो नारियल की बात कर रहे थे, पीछे हो जा इनसे, पीछे हो जा। ये देख मेरा बहुत मन है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करूँ, लेकिन आपको दिल की सच्चाई और दिल की गहराई से एक बात बताता हूँ, मेरी औकात और मेरी बोल रहे हैं।
बहुत डेंस और बहुत डार्क और बहुत डरावनी वाइब्स हैं यहाँ की। ये मैंने आपको पूरा कक्ष दिखा दिया था कल, चलो उधर से चलते हैं। आ जा, ये देख इधर की साइड, पीछे देखिए, देख सारे कपड़े हैं लोगों के, ये शॉल वॉल टंगे हुए हैं पेड़ों से। और एक चीज देखते हैं, ओ तेरी की, नारियल पर बिठाकर हाथ मार, ये क्या था, क्या था ये, पता नहीं एकदम से आठ सी आई। ओ देख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, ये आवाज सुनी, ओ, कुछ नारियल इधर भी पड़े हैं, देख रहा, गाइस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 100% कुछ है इस जगह पर, मानो चाहे मत मानो, क्या कहता है, बिल्कुल है। राकेश तेरे को दूध दिखा था, उधर देखो भैया व्हाइट सा कुछ, वो उसके पास कुंड के पास देख लिया, और वो छुपा है, मैं देख के, ये क्या व्हाइट सा यहाँ पे, ओ भाई ये तो कैमरे में दिखा पूरा पक्का, हाँ क्या करें, रुके क्या करें, जल्दी बता, मैं तो कहता हूँ चलते भैया, चल भाई, जो भी है वो यहीं रहे, हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। तो ये थी मेरी कुछ कोशिश, आई होप आपको ये कोशिशें पसंद आई होंगी, दिल से कुछ बनाया था आपके लिए, ऐसी सीरीज और चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, रेगुलर आपके लिए ऐसी सीरीज लेके आता रहूंगा। और बस ये मत बोलना कि दोबारा इस जगह जाया जाए, बहुत एक्सप्लेन करना मुश्किल है इस जगह को, दिमाग से खेलती है जगह, ये यहां की वाइब दबाती है आपको, डर 24 घंटे दिल के अंदर, कई आंखें ऐसा लगता है आपको देख रही हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहां पर जो आपके ऑरे को भी निचोड़ देती है। यही था इस सीरीज में, हाँ सीरीज को एक और एपिसोड आएगा इसका, जिसमें मैं आपको पूरा एलिब्रेट करके बताऊंगा और कॉन्क्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे हम सैटरडे को, तो उसका वेट करना। गाइज आईफोन गिव अवे की बातें चल रही हैं सीरीज में, तो जैसा मैं हर सीरीज में बता रहा हूं कि टोटल 5 आईफोन को हम गिव अवे कर रहे हैं, और 2 आईफोन व्लॉग चैनल पे, 2 आईफोन इस 3 एपिसोड के अंदर, ये सेकंड एपिसोड चल रहा है,
तीन एपिसोड के अंदर ही दो आईफोन और एक आईफोन इंस्टाग्राम पर। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस कमेंट्स करने हैं, और जिसके भी कमेंट्स सबसे सुंदर होंगे और जिसके कमेंट्स पर सबसे कम लाइक्स होंगे उनको मिलेंगे आईफोन्स। ठीक है, रिजल्ट आएगा 1 जनवरी को और आपका सपना मैं पूरा करूंगा जिसको भी आईफोन चाहिए। और ये गिव अवे थमेंगे नहीं, हर महीने कुछ ना कुछ गिव अवे होता रहेगा, चाहे वो कैश हो, चाहे वो फोन पे, पेटीएम, चाहे हम सैमसंग के कुछ फोन लेके आए, लेकिन हम ये गिव अवे रुकने नहीं देंगे। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे हर जगह आपको फॉलो कर लेना है, मुझे कंपलसरी है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको तीनों मेरे चैनल फॉलो करे होने चाहिए, इंस्टाग्राम, व्लॉग चैनल और हॉन्टेड चैनल। व्लॉग चैनल जरूर देखना, क्योंकि ये जो थी मंजिल थी भूतेश्वर महादेव पहुंचना, एक मंजिल थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के आने जाने के रास्ते के बड़े खूबसूरत हमने वीडियोस बनाए, वो आपको व्लॉग सीरीज में मिलेंगे, डेली वीडियो डल रही है, जरूर जाके फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को। और इंस्टाग्राम पे जैसे ही आप जाओगे ना, ब्रॉडकास्ट चैनल होगा वहां पर, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना गाइज। सबसे तेज और सबसे फास्ट वहां पर आईफोन गिव अवे के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और हम एक दूसरे से डायरेक्ट क्लोज होंगे। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूं आपसे सैटरडे को किसी और सीरीज में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।